हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बेहतर होंगे। और आज आपने जो वीडियो आप अगर ना देखोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि बिहार बोर्ड का बल्ब से संबंधित ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आज नहीं होगा। आज के वीडियो आपको देखने के बाद बल्ब का प्रत्येक सवाल, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आप नहीं जान पाए। टेंथ के लिए बल्ब से संबंधित जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो सारे सवाल के जवाब आप चुटकी बजा कर दे देंगे, मिनटों में आपको याद में करवा दूंगा। पहला क्वेश्चन जब चलते हैं कि बल्ब का सचित्र वर्णन करें, आता है कि बल्ब का सचित्र वर्णन करें, क्वेश्चन आता है बल्ब का सचित्र वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें। ठीक है, बल्ब तो आपने देखा होगा, ऐसे बल्ब तो मुझे लगता है कि आपके समय में नहीं होगा। उस समय एक पीला वाला बल्ब आता था पहले, लेकिन अब जो है अब तो एलईडी वगैरह आ गया है, तो मैं इसी बल्ब की बात कर रहा हूँ। बल्ब का सचित्र वर्णन, बल्ब का फोटो आप देख रहे होंगे, इसका फिगर देख रहे होंगे, बस इसके बारे में लिख देना है कि इसमें होता क्या है। बल्ब में कांच का बल्ब होता है, कांच का बल्ब होता है, कांच का बल्ब होता है। विद्युतीय बल्ब एक कांच का बल्ब होता है। कैसा होता है? एक कांच का। और प्लास्टिक का होता है, प्लास्टिक रहेगा तो उसमें से प्रकाश ना निकलेगा। क्या होता है? कांच का। कांच माने शीशा, कांच अपाकल नहीं, क्या होता है? शीशा, माने शीशा का बल्ब होता है। विद्युतीय बल्ब कैसा होता है? शीशा का, अर्थात कांच का बल्ब होता है। विद्युतीय बल्ब कांच का एक बल्ब होता है, जिसमें क्या होता है? टंगस्टन का पतला, देख रहे हो ना, एक टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन तार का पतला, माने पतला तार का कुंडली होता है। इसमें जो होता है विद्युतीय बल्ब के भीतर जो होता है वह टंगस्टन के पतले तार का कुंडली होता है, जिसको फिलामेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई इसको? फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? फिलामेंट। तो क्या देखा हमने कि यहाँ पे जो होता है इसमें वह टंगस्टन तार का, पतला टंगस्टन तार का, माने वैसा टंगस्टन तार जो पतला हो उसका कुंडली होता है। कुंडली समझते हो ना, जैसे स्प्रिंग होता है वैसे ही कुंडली होता है, और जिसे हम बोलते हैं फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो फिलामेंट बोलेंगे उसको। क्या नाम है इसका? फिलामेंट। ये आपका फिलामेंट हो गया। ठीक है, अब इसके साथ जो है ये फिलामेंट के साथ देख रहे हो कि दो मोटे आधारित तार जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? दो मोटे आधारित तार जुड़ा होता है, और यह जो तार है वह स्टर्ड से, ये देख रहे हो ना, इसके भीतर दो ऐसा स्टर्ड होता है, स्टर्ड के साथ दोनों लाइट जुड़ा होते हैं, जिससे आप प्लस और माइनस इसमें देते हो। यह स्टर्ड है, यहाँ पे स्टर्ड प्लस और माइनस, जैसे यहाँ पे होता है, लेकिन मैं समझाने के लिए यहाँ दे रहा हूँ। यह स्टर्ड यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे उसके ऊपर दो लकीरें होती है, एक प्लस और एक माइनस, और एक में फेज देते हो और एक में न्यूट्रल देते हो। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। क्या है? फिलामेंट है, स्टर्ड है, दो आधारक तार है, और क्या है? कांच का बल्ब है। तो विद्युतीय बल्ब एक कांच का बल्ब होता है, विद्युतीय बल्ब कांच का एक बल्ब होता है, जिसमें टंगस्टन के पतले तार का कुंडलिनी रचना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। और इस फिलामेंट के साथ दो मोटे आधारक तार जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? दो मोटे आधारित तार जुड़ा होता है, और यह तार जो है स्टर्ड से जाकर जुड़ा होता है। स्टर्ड, इसको क्या बोलेंगे? स्टर्ड। ये दोनों स्टर्डों से जाकर जुड़ा होता है, और इस बल्ब के भीतर निम्न दाब पर निष्क्रिय गैस को भरा जाता है। निम्न दाब पर निष्क्रिय गैस को भरा जाता है, निष्क्रिय गैस में क्या? तो नाइट्रोजन और आर्गन के मिश्रण को भरा जाता है। बल्ब में कौन कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन और आर्गन का मिश्रण भरा जाता है, वो भी निम्न दाब पर। निम्न दाब पर नाइट्रोजन और आर्गन का भरा जाएगा, किसमें? इस बल्ब में जो है वह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन का मिश्रण भरा जाता है। इससे पहले इसमें सब हवा निकाल दिया जाता है, तब इसको भरा जाता है। ठीक है, तो आपने इस बात को क्लियर किया होगा कि विद्युतीय बल्ब एक कांच का बल्ब होता है, एक कांच का बल्ब होता है, जिसमें क्या होता है? जिसमें टंगस्टन के पतले तार का कुंडली होता है, और इस कुंडली को क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। ये फिलामेंट किससे जुड़ा है? ये फिलामेंट आधारित दो मोटे तारों से जुड़ा है, और यह किससे जुड़ा है? स्टर्ड से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? स्टर्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, और इस बल्ब के भीतर निम्न दाब पर नाइट्रोजन और आर्गन, जैसे आर्गन हो गया और नाइट्रोजन हो गया, इसके जो है वो मिश्रण को भर दिया जाता है, निष्क्रिय गैस के मिश्रण को भर दिया जाता है।
यह आपका क्या हो गया, बल्ब का सचित्र वर्णन हो गया। अगर ये बनाते हो पांच नंबर कोई रोक ना पाएगा। आप समझ कर अपने भाषा में भी लिख सकते हो, जो अपने वीडियो में समझा ना बस उसको अपने भाषा में लिख दो, बाकी सब ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि जो एकदम रट्टा मार के या फिर आप किताब के साथ एकदम पूरा याद कर रहे हो और जाकर बोर्ड में लिख दोगे तो आप एकदम टॉप ही हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप तथ्यों को समझें और तथ्यों को समझ कर जो है उसे कॉपी पर उतारने का प्रयास करें। तत्वों को समझे अपने भाषा में, दूसरे का अनुसरण करने वाले हमेशा दूसरों के पीछे ही रह जाते हैं। अर्थात आप दूसरों का अनुसरण ना करें, दूसरों से आप सीख सकते हैं लेकिन उसका अनुसरण नहीं कर सकते हैं। मतलब आप किताब सीख सकते हैं, किताब से सीख सकते हैं, शिक्षक से सीख सकते हैं, और यह कदापि जरूरी नहीं होता है कि जो भाषा आपके शिक्षक लिखवा रहे हैं, जो भाषा किताब आपको सिखा रहा है वही भाषा का आप इस्तेमाल करें। आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि भाषा सीख सकते हैं और सीखने के बाद जो है भाषा सीखने के बाद आप अपने शब्दों में उसे बदल सकते हैं। मुझे आशा है कि आपने यह समझा होगा, ठीक है। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप यह चित्र बना दीजिएगा और साथ में यह हो जाएगा तो यह क्लियर हो जाएगा। एक क्या हो गया, एक विद्युत बल्ब का सचित्र वर्णन हो गया। फिर हम देखेंगे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर जो फिलामेंट बनाया जाता है वह टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है, विद्युतीय बल्ब में निष्क्रिय गैस के भरा जाता है, विद्युतीय बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह कुंडलिनी के होता है। ये सारे क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, और अगला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें ताकि चैनल को आगे बढ़ाया जाए, और आपका सहयोग इसी तरह से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में करता रहूं। धन्यवाद।